करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चरा चकाराच्युता सत्कथा कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। इसका ट्रांसलेशन, अम्बरीश महाराज कैसे भगवान का भक्ति करता था, तो यहाँ पे दिया हुआ है। महाराज अम्बरीश ऑलवेज एंगेज्ड हिज माइंड इन मेडिटेटिंग अपॉन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अपना माइंड को किस चीज में एंगेज करता था? भगवान कृष्ण का लोटस फीट में, भगवान कृष्ण का एक्टिविटीज सोचने में अपना माइंड को एंगेज करता था। वी कैन सी इन आवर लाइफ दैट इन इंटायर 24 आवर्स, पूरा 24 घंटा में हम लोग कितना टाइम हम लोग इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं और कितना टाइम भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के एक्टिविटीज के बारे में सोचते हैं। हिज हैंड्स इन क्लींजिंग लॉर्ड्स टेम्पल। तो कृष्णस टेम्पल, हिज हैंड्स वेर एंगेज्ड इन क्लींजिंग लॉर्ड्स टेम्पल। भगवान का मंदिर साफ करने में उनका हाथ एंगेज्ड था। एंड हिज ईयर्स इन हियरिंग द वर्ड्स स्पोकन बाय कृष्णा और अबाउट कृष्णा। तो कान को कैसे एंगेज करता था? कान को भगवान के बारे में सुनने के लिए एंगेज करता था। भगवद गीता और श्रीमद भागवतम सुनने में कान को एंगेज करता था, हियरिंग। ही एंगेज्ड हिज आईज इन सीइंग द डेटी ऑफ कृष्णा। भगवान का जो विग्रह है, वो विग्रह को देखने के लिए उनका जो आंख है, उस आंख को एंगेज करता था। कृष्णस टेम्पल्स, नॉट ओनली कृष्णस डेटी, भगवान का विग्रह को ही नहीं, कृष्ण का मंदिर को देखने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले रथ यात्रा गया, तो जो लोग टीवी में या यूट्यूब में, वो यूट्यूब में जब जो पुरी का रथ यात्रा हुआ, रथ यात्रा देखने में, रथ को देखने में जो जो अपना आँख को एंगेज किया, वो है भक्ति। एंड एंड कृष्णस प्लेसेस लाइक मथुरा एंड वृंदावन, भगवान का धाम, मथुरा वृंदावन मायापुर धाम, ये धाम कितना सुंदर है। भगवान का जो धाम है वो भगवान से अभिन्न है एक्चुअली। भगवान जब आता है, भगवान को धाम को भी लेके आता है। ही एंगेज्ड हिज सेंस ऑफ टच इन टचिंग द बॉडीज ऑफ लॉर्ड्स डिवोटीज। तो जैसे कोई अगर भक्त मिल बहुत दिन के बाद मीटिंग होता है, सो देन वी एम्ब्रेस ईच अदर, दैट इज टचिंग द बॉडीज ऑफ लॉर्ड्स डिवोटीज। सो ऐसे ऐसे अपना जो सेंस ऑफ टच है उसको यूटिलाइज करता था। ही एंगेज्ड हिज सेंस ऑफ स्मेल इन स्मेलिंग द फ्रैग्रेंस ऑफ तुलसी ऑफर टू द लॉर्ड। भगवान का चरण में जो तुलसी लीफ ऑफर किया जाता है, उसका जो स्मेल आता है, सुगंध है, उसको सूंघने के लिए अपना अपना जो जो नाक है उसको यूज करता था। एंड ही एंगेज्ड हिज टंग इन टेस्टिंग लॉर्ड्स प्रसाद। भगवान को प्रसाद को टेस्ट करने के लिए अपना जीभ को इस्तेमाल करता था। ही एंगेज्ड हिज लेग्स इन वॉकिंग टू द होली प्लेसेस एंड टेम्पल्स ऑफ द लॉर्ड। अपना पैर को कैसे यूज करता था? वॉकिंग टू द होली प्लेसेस, भगवान के धाम पे, भगवान के मंदिर में जहाँ पे भक्त लोग हैं, वहाँ पे जाने के लिए अपना पैर को यूज करता था। हिज हेड इन बाउइंग डाउन बिफोर द लॉर्ड। उनका जो सिर है उसको
भगवान के पास प्रणाम करने के लिए एंड ऑल हिज डिजायर्स इन सर्विंग लॉर्ड 24 आवर्स ए डे डिजायर्स. हम लोग का डिजायर दो तरीके का डिजायर है, एक है मेटेरियल डिजायर जो सेंस ग्रेटिफिकेशन अपना अपना सेटिस्फेक्शन अपना इंद्रिय का सेटिस्फेक्शन के लिए जो है डिजायर वो है मेटेरियल डिजायर, और है स्पिरिचुअल डिजायर. और भगवान का इंद्रिय का सेटिस्फेक्शन के लिए जो डिजायर है वो है स्पिरिचुअल डिजायर. तो अम्बरीश महाराज में कोई मेटेरियल डिजायर नहीं था, पूरा पूरी स्पिरिचुअल डिजायर था. दैट इज वाई इज अ प्योर डिवोटी. इंडीड महाराज अम्बरीश नेवर डिजायर्ड एनीथिंग फॉर हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन. अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी भी कुछ नहीं सोचता था. ही एंगेज्ड ऑल हिज सेंसेस इन डिवोशनल सर्विस इन वेरियस एंगेजमेंट्स रिलेटेड टू द लॉर्ड. दिस इज द वे टू इंक्रीज अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड एंड बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल मेटेरियल डिजायर्स. तो हम लोग अपना जीवन में हम लोग देखते हैं सब किसी का अटैचमेंट है कुछ ना कुछ चीज़ों से. अटैचमेंट सबका है. Somebody is attached to his car. Somebody is attached very much to different different things or different persons in his life. So attachment बहुत रहता है. लेकिन भगवान के प्रति attachment बहुत difficult है. भगवान के प्रति attachment उतना तीव्र तरीके से उतना जल्दी नहीं आता है, धीरे धीरे आता है. Because हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंद्रिय तृप्ति में पूरा डूबे हुए हैं, इसीलिए इतना जल्दी से वो अटैचमेंट नहीं आता है. भक्ति करते करते धीरे 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 वो आता है, वो आसक्ति वो आता है. इन द भगवद गीता द लॉर्ड रिकमेंड्स मोहि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय. दिस इंडिकेट्स दैट वन मस्ट एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ ए डिवोटी और डायरेक्टली अंडर द गाइडेंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. तो भक्ति भगवान का भक्ति कैसे करना चाहिए? दो उपाय हैं, आइदर भगवान का डायरेक्टली भगवान के अंडर में ये जो अपॉर्चुनिटी है वो जब भगवान रहता है इस दुनिया में तभी अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे अर्जुन को मिला था. अर्जुन डायरेक्टली कृष्ण का गाइडेंस एक्सेप्ट किया था, कृष्ण डायरेक्टली उनको गाइड कर पाया. लेकिन हम लोग का वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वी आर नॉट क्वालिफाइड to that extent like Arjuna. So we should be under the guidance of a devotee of Krishna who is in bona fide guru parampara. Jo guru parampara mein sthit hai wo bhakt ka under mein hum log ko bhakti karna chahiye. Jaise dekhiye Srila Prabhupada ji ke jo shishya log Srila Prabhupada ji ke under mein bhakti kiya, Srila Prabhupada ki guidance mein bhakti kiya. Abhi Prabhupada ke shishya log to Prabhupada ke shishya log wo log इस मूवमेंट को महान भक्त लोग श्रील प्रभुपाद के जो महान शिष्य लोग हैं वो इस मूवमेंट को लीड कर रहा है अभी, तो उनका गाइडेंस में सब है. तो भक्तों का गाइडेंस में रहना चाहिए. इट इज नॉट पॉसिबल हाउएवर टू ट्रेन वन सेल्फ विदाउट गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर. गुरु के गाइडेंस के बिना भक्ति करना इम्पॉसिबल है. ये तो देखिए श्रील प्रभुपाद जी ये दे दिया है, लिख दिया है. देखिए It is not possible, however, to train oneself without guidance from the spiritual master. तो गुरु के बिना, गुरु के गाइडेंस के बिना, गुरु का ट्रेनिंग के बिना कभी भक्ति भक्ति में ट्रेंड अप होना यह पॉसिबल नहीं है. Therefore, according to the instructions of Srila Rupa Goswami, the first business of a devotee is to accept a bona fide spiritual master who can train him to engage his various senses in rendering transcendental loving. टू द लॉर्ड. तो पहला ड्यूटी है तो भगवान के भक्त को, कोई भगवान के जो बोनाफाइड जो गुरु परंपरा में स्थित भक्त है उनको उनको गुरु का रूप में स्वीकार करना. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, दैट इज कॉल्ड एज दीक्षा. तो दीक्षा के टाइम इनिशिएशन मतलब इट इज द स्टार्टिंग एक्चुअली. ये इनिशिएशन मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल में चला गया, ऐसा नहीं है. इनिशिएशन मीन्स इट इज द starting of devotional service, it is the beginning of devotional service, that is called as diksha. So the Lord also says in Bhagavad Gita, asamsayam samagram mam yatha gyashashi takshinu. In other words, if one wants to surrender to the supreme personality of Godhead, one must follow the prescriptions given by Krishna by following in the footsteps of Maharaj Ambarish. It is said, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchyate. Bhakti means to engage
the senses in the service of the master of senses, Krishna. Rishikesh, Rishikesh कौन है? Krishna है Rishikesh. Rishikesh ना Rishikesh है. मतलब आपका अपना जो इंद्रिय है, अपना जो टैलेंट्स है, जो सेंसेस का जो एंगेजमेंट्स है, भगवान के प्रति अगर एंगेज्ड होगा, देन इट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ. सो रिगार्डिंग ये चैरिटी, ये एक तरीके का चैरिटी ही है कि नहीं? चैरिटी ओनली डज नॉट मीन चैरिटी ऑफ मनी. सिर्फ पैसा का चैरिटी नहीं है, पैसा का दान. सिर्फ पैसा का दान तो एक दान होता है भगवान के, वो भी बहुत बड़ा दान है, लेकिन वही सिर्फ एकमात्र दान नहीं है. कोई अपना टाइम को दान कर रहा है भगवान का सेवा में, कोई अपना जीवन को भगवान का सेवा में दान कर रहा है, तो ये दान होता है. कोई कोई अपना टैलेंट्स जो है वो भगवान का सेवा में यूटिलाइज कर रहा है. यूटिलाइज मतलब दान करना. तो ये चैरिटी के बारे में ही ये मयूरध्वज राजा का कहानी बताएंगे. तो देखिए, जस्ट इसको ख़त्म करते हैं. अम्बरीश महाराज का जैसा ही राजा था मयूरध्वज, वेस्ट बंगाल में वो राजा था, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट का, 5000 साल पहले उस टाइम पे. सो दिस लास्ट लाइन हियर इट रीड्स, द वर्ड्स अच्युता एंड ऋषिकेश आर ऑल्सो यूज इन भगवद गीता. भगवद गीता इज कृष्ण कथा स्पोकन डायरेक्टली बाय कृष्ण, एंड श्रीमद भागवतम इज ऑल्सो कृष्ण कथा, बिकॉज एवरीथिंग डिस्क्राइब्ड इन द भागवतम इज इन रिलेशनशिप विद कृष्ण. तो भागवतम में सब कुछ कृष्ण के संबंध में बोला गया है, और भगवद गीता डायरेक्टली कृष्ण कथा है. तो ये महाराज अम्बरीश का ये देखिए कैसे अपना सब सेंसेस को महाराज अम्बरीश यूटिलाइज करता था भगवान का सेवा में. वैसा ही राजा था ये मयूरध्वज राजा. तो मयूरध्वज राजा, उनके जो राज्य था, उनके जो राज्य का एरिया था, उसमें सभी भक्त था, सभी प्रॉपरली इनिशिएटेड भक्त था. मतलब सभी एक बोनाफाइड गुरु के द्वारा दीक्षित भक्त था उनके राज्य में, मयूरध्वज राजा के. और राजा हमेशा से उसका माइंड में और कुछ था ही नहीं, भगवान के बारे में ही हर चीज, हर टाइम पे भगवान के बारे में ही वो एंगेज था भगवान का सेवा में, इस तरीके से जैसे अम्बरीश महाराज एंगेज था. लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के सेवा में एंगेज था तो उनका राज्य में सब कुछ डूब जा रहा था, ऐसा नहीं है. राज्य भी अच्छा चल रहा था. ऐसा नहीं है कि हमें पूरा और राज्य का कोई ड्यूटी वो नहीं निभा रहा है, ऐसा भी नहीं था. वो अपना ड्यूटी भी कर रहा था बढ़िया तरीके से, प्रजा का पालन भी कर रहा था. जो अपना जो राज्य है उसका उसका डेवलपमेंट भी कर रहा था. ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पूरा पूरा एकदम इनएक्टिव जैसा था, ऐसा नहीं है. तो भगवान का सोच मतलब भगवान सब कुछ चीज को भगवान का सेवा में अर्पित करना. तो ये मयूरध्वज राजा, ये मयूरध्वज राजा के एक बेटा था, उनका नाम था ताम्रध्वज. तो वो बेटा भी बहुत अच्छा भक्त था भगवान का. दोनों ही बाप बेटा दोनों ही भगवान का भक्त था. तो ये कहानी एक्चुअली, ये कहानी, ये जो इंसिडेंट है वो ऋषि जैमिनी, उनका शिष्य जन्मजय को बोल रहा है. तो कृष्ण जब आया था, कृष्ण का टाइम पे ही ये हुआ था, ये लीला एक हुआ था, बहुत ही खूबसूरत ये लीला. तो मयूरध्वज राजा जानता था कि भगवान अपना भक्तों को परीक्षा लेता है. कृष्णा डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से, कभी माया का माध्यम से परीक्षा लेता है, कभी डायरेक्टली जो भगवान के शुद्ध भक्त है डायरेक्टली कृष्णा उन लोगों का परीक्षा लेता है. हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है. वी हैव मेटेरियल डिजायर्स इन आवर हार्ट. हम लोग का बहुत सारा मेटेरियल डिजायर है अपना हृदय में. तो हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त अभी तक नहीं हुए हैं. भगवान के शुद्ध भक्त जो है उनके हृदय में कोई मेटेरियल डिजायर नहीं होता है. तो ये जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनको भगवान खुद टेस्ट लेता है, परीक्षा लेता है. तो ये क्यों लेता है? ऐसा नहीं है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त है भगवान उनको डिफिकल्ट सिचुएशन में डालता है, उनको एम्बेरस करने के लिए नहीं, नॉट टू एम्बेरस देम. लेकिन भगवान उनका शुद्ध भक्त को, जैसे पांडव लोग भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला,
पूरा लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए भीम को जहर दिया गया, दुर्योधन भीम को केक दिया था, उसमें जहर डाल दिया था, छोटे से ही एक के बाद एक डिफिकल्टी सिचुएशन आते गया। लास्ट में देखिए पांडव का लड़का लोग को अश्वत्थामा मार दिया, तो देखिए डिफिकल्टीज हमेशा था पांडव लोग का जीवन में। तो मयूरध्वज बोल रहा है कि कृष्ण टेस्ट हिज डिवोटीज नॉट टू एम्बेरेस देम बट टू शो देयर ग्रेटनेस एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस एक ऐसा चीज है ना कि डिफिकल्ट सिचुएशन को टॉलरेट करना, द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन। श्रील प्रभुपाद जी एक स्टेटमेंट लिखता है श्रीमद भागवतम में, दिस इज अ वेरी गोल्डन स्टेटमेंट एक्चुअली। द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन इज मेजर्ड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट डिफिकल्ट प्रोवोकेटिंग सर्कमस्टेंसेस। कोई आदमी कितना महान है उसका मेजरमेंट ये दिया है श्रील प्रभुपाद जी, ये जो स्टेटमेंट है इसके माध्यम से, कौन सा आदमी कितना महान है वो मेजरमेंट किया जा सकता है जो प्रोवोकेटिंग सिचुएशंस है। प्रोवोकेटिंग सिचुएशन मतलब जो सिचुएशन में लगता है कि हम भक्ति छोड़ देंगे, ऐसा सिचुएशंस आता है जीवन में, तो वो सिचुएशन में, कठिन सिचुएशन में जो भगवान का भक्ति कंटिन्यू करता है, तो वो है, वो टेस्ट होता है, तो वो महान व्यक्ति है। प्रोवोकेटिंग सिचुएशंस आएगा, ऐसा सिचुएशंस आएगा माइंड के द्वारा, ऐसा सिचुएशन आएगा डिफरेंट एनवायरनमेंट के द्वारा, ऐसा सिचुएशन आएगा जहां हम लोग को परीक्षा लिया जाएगा। जैसे मटेरियल सब्जेक्ट में भी, इंजीनियरिंग में भी एग्जामिनेशन है, इसी तरीके से भगवान ऐसे अरेंजमेंट करता है जो स्पिरिचुअल साइंस में आगे बढ़ रहा है उन लोग के लिए भी एग्जामिनेशन का सिस्टम बना के रखा है। तो ये टॉलरेट करना, प्रोवोकेटिंग सिचुएशन, ये प्रोवोकेटिंग सिचुएशन को टॉलरेट जो जितना कर पाएगा वो उतना महान है। तो ये मयूरध्वज का जीवन में भी ऐसा एक सिचुएशन आया था। तो युधिष्ठिर महाराज उस टाइम पे 5000 साल पहले, युधिष्ठिर महाराज वो तब एक यज्ञ किया था, यज्ञ किया था, वो है राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ एक बहुत ही एक बड़ा यज्ञ है। तो ये यज्ञ करने के लिए किसी को पूरा दुनिया का राजा बनना पड़ता है, कोई छोटा मोटा राजा कभी राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता है। स्मॉल किंग कैन नॉट डू राजसूय यज्ञ, ही हैज टू बी द किंग ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। पूरा दुनिया का राजा ही, वही एकमात्र राजसूय यज्ञ करने के लिए एलिजिबल होता है। तो युधिष्ठिर महाराज जब ये आपका जो वो जगह उनका कैपिटल इंद्रप्रस्थ, हाँ याद आए, इंद्रप्रस्थ में जब था युधिष्ठिर महाराज, उनका कैपिटल जगह था इंद्रप्रस्थ में, तब वो डिसाइड किया कि राजसूय यज्ञ करेगा। तो उनका जो चार दूसरा जो भाई है, पांडव लोग हैं, चार दिशा में उन लोगों को भेज दिया। अर्जुन को भेज दिया नॉर्थ में, इंद्रप्रस्थ का नॉर्दर्न साइड में, जितना भी राज्य है पूरा दुनिया में सबको कॉन्क्वायर करो, आदेश दे दिया। अर्जुन चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में भीम को भेज दिया, ईस्ट में भीम चला गया। अर्जुन नॉर्थ में इतना कॉन्क्वायर किया था, महाभारत में इसका वर्णना है। अर्जुन नॉर्थ में गया, नॉर्थ में जितना भी देश था, रशिया वशिया सब वो जगह सब वो सब कॉन्क्वायर कर लिया। और अर्जुन उसको कॉन्क्वायर करने के बाद और दूर चला गया, ये पृथ्वी का भी जो दूसरा प्लैनेटरी सिस्टम में चला गया, वहाँ पे भी कॉन्क्वायर कर दिया, उधर पे भी जीत के आ गया। अर्जुन इतना शक्तिशाली था अर्जुन। तो और ईस्ट में किसको भेज दिया, ईस्ट में भेज दिया भीम को। भीम जाके इधर ईस्ट में बांग्लादेश, साउथ कोरिया, ये मलेशिया, ये सब चाइना वाइना सब ये कॉन्क्वायर कर लिया ईस्ट में। भीम अकेला ही, इतना पावर था भीम का। साउथ में भेज दिया नकुल को, मोस्ट प्रोबेबली नकुल या सहदेव में दो जन बाकी है, तो नकुल को मोस्ट प्रोबेबली एज आई रिमेम्बर, नकुल को साउथ में भेज दिया, साउथ में वो कॉन्क्वायर कर दिया। और सहदेव को वेस्ट में भेज दिया, तो पूरा वेस्टर्न, ऐसे पूरा चारों दिशा में कॉन्क्वायर कर लिया
युधिष्ठिर महाराज। तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज, ये राजसूय यज्ञ का एक सिस्टम होता है। राजसूय यज्ञ में एक घोड़ा होता है, एक घोड़ा को वो क्या करता है, घोड़ा को वो जिस देश में जाएगा, जिस प्रदेश में वो घोड़ा जाएगा, और घोड़ा उस देश का राजा वो अगर घोड़ा को कैप्चर नहीं करेगा तो वो सरेंडर कर दिया युधिष्ठिर महाराज के सामने। लेकिन घोड़ा को कैप्चर कर लेगा तो क्या हो गया, युधिष्ठिर महाराज को चैलेंज कर रहा है। तो ऐसे ये कॉन्कर करने के बाद घोड़ा को अलाउ कर दिया घूमने के लिए, जिधर भी जाएगा घोड़ा अपना मर्जी से जाएगा और पूरा राज्य को जितना भी राज्य है घूम के आएगा। कोई अगर घोड़ा को बांध लिया, अपना कब्जे में कर दिया, मतलब वो चैलेंज कर रहा है युधिष्ठिर महाराज को। तो युद्ध होगा, फाइटिंग होगा और फिर डिसाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मयूरध्वज राजा है, तो मयूरध्वज राजा का किंगडम में भी ये घोड़ा आ गया था। तो ये घोड़ा को उनका बेटा ताम्रध्वज, मयूरध्वज का जो बेटा है ताम्रध्वज, वो एक घोड़ा को बंदी बना लिया। घोड़ा को टच करना मतलब युधिष्ठिर महाराज को चैलेंज करना, तो चैलेंज एक्सेप्ट किया वो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के होके, युधिष्ठिर महाराज को पक्ष से अर्जुन फाइट करने आया चैलेंज को। ये मयूरध्वज राजा चैलेंज जब दिया तो अर्जुन आ गया फाइट करने। तो अर्जुन, वो पता था, ये ताम्रध्वज को पता था कि अर्जुन आएगा, ये छोटा राजा है, राजा का बेटा है ये, लेकिन फिर भी चैलेंज कर दिया, अर्जुन को आने दीजिए। कुंती पुत्र अर्जुन, महान भगवान के भक्त अर्जुन, उसके साथ भी फाइट करने के लिए तैयार हो गया। तो अर्जुन उसको बोला कि तुम युधिष्ठिर महाराज का भेजा हुआ घोड़ा को तुम बंदी बना लिया, तुम जानते हो तुम किसको चैलेंज किया है, तुम इतना छोटा है, तुम कितना बड़ा राजा है, अभी तक तुम मेरा सामने तुम दूध पीता बच्चा है, तुम ये चैलेंज कर दिया मेरा भाई का, युधिष्ठिर महाराज का ये घोड़ा को, हम तुमसे फाइट करेंगे। तो ये जो मयूरध्वज राजा का जो बेटा है ताम्रध्वज, वो बोला कि ठीक है फाइट करेंगे हम। तो फाइट हुआ, बहुत जबरदस्त बैटल हुआ। अब ताम्रध्वज क्यों चैलेंज किया था, ये मेन चीज है समझना। ताम्रध्वज भगवान का भक्त था और मयूरध्वज उनका जो पिताजी वो राजा था, वो भी भगवान का भक्त था। तो ताम्रध्वज इसलिए फाइटिंग किया था अर्जुन से, नहीं तो भगवान का महान भक्त, वो तो जानता है ताम्रध्वज अर्जुन महान भक्त है, तो अपना जो राज्य है दे सकता था आराम से, युधिष्ठिर महाराज के सामने सरेंडर कर दे सकता था। लेकिन एक्चुअली इसके पीछे जो रीजन है कि ये जो ताम्रध्वज, ये जो मयूरध्वज राजा है, उनका बहुत इच्छा था कि भगवान कृष्ण उसका राज्य में आएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था, उनका इतना प्रेम था, उसको बहुत दुख लगता था कि कृष्ण उसका राज्य में नहीं आ रहा है। उनका राज्य में वो चाहता था कि कृष्ण उनका राज्य में आए। तो ये बेटा, उनका बेटा ताम्रध्वज इसलिए चैलेंज किया अर्जुन को कि अर्जुन भगवान का परम भक्त है, अर्जुन को अगर हरा दे सकता है तो अर्जुन को बचाने कृष्ण आएगा, उनका राज्य में कृष्ण का पद धूलि गिरेगा। तो इसलिए ताम्रध्वज अर्जुन से फाइट किया, नहीं तो दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था फाइट करने का, क्योंकि अर्जुन तो महान भक्त है, उनके सामने सरेंडर ही कर देता। तो ताम्रध्वज और ये अर्जुन में बहुत बड़ा फाइट हुआ, बहुत फियर्स फाइटिंग हैपेंड। तो उसमें कृष्ण का इच्छा से सब होता है, महाभारत का युद्ध में भी कृष्ण का इच्छा से ही तो अर्जुन जीता था, कृष्ण का इच्छा नहीं होता तो अर्जुन नहीं जीत पाता महाभारत के युद्ध में, कृष्ण ही सब कुछ का कंट्रोलर है। तो अब क्या हुआ, इस युद्ध में ताम्रध्वज अर्जुन को हरा दिया। देखिए इतना महान जो वॉरियर अर्जुन,
योद्धा वो हार गया, एक छोटा सा एक एक, एक राजा का बेटा से हार गया। तो ताम्रध्वज जब अर्जुन को हरा दिया तब वो खबर, वो अर्जुन तो चकित हो गया कि मैं हार गया। तो भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा, भगवान केशव आपका ही इच्छा है ये, आप प्रकट होइए, आप आइए मेरे का सहायता कीजिए, आप आपके पति में सरेंडर करता हूँ। तो कृष्ण आया वहाँ पे, तो अर्जुन कृष्ण को पूछा कि मैं एक बच्चा से हार गया, इतना छोटा सा आदमी से हार गया मैं। तो कृष्ण बोला कि देखिए ये मेरा ही इच्छा से हुआ है, हम तुमको दिखाएंगे कि मेरा भक्त ये मयूरध्वज कितना महान है। तो अर्जुन पूछा कृष्ण से, कैसे आप क्या लीला करने वाले हैं, आप थोड़ा बताइए मेरे को। तो अर्जुन, तो कृष्ण अर्जुन को बोला कि तुम देखते जाओ, हम तुमको दिखाएंगे कि ये मयूरध्वज राजा और ताम्रध्वज राजा, उसका बेटा ताम्रध्वज कितना महान भक्त है, तुमको दिखाएंगे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ब्राह्मण का वेश में आना पड़ेगा, ब्राह्मण का रूप में आना पड़ेगा तुमको। तो कृष्ण ब्राह्मण बन गया, कृष्ण ब्राह्मण का वेश में आ गया और अर्जुन को भी ब्राह्मण का वेश में आने बोला। तो दोनों ब्राह्मण, अभी कृष्ण अर्जुन को बोला कि चलते हैं राजा के पास, मयूरध्वज राजा के पास चलते हैं। तो कृष्ण अपना नाम रख दिया कृष्ण वर्मा राजा, ब्राह्मण कृष्ण वर्मा, और अर्जुन का नाम रख दिया पार्थ, उनका शिष्य का रूप में। दोनों ही अपना ड्रेस चेंज कर लिया, ब्राह्मण का ड्रेस पहन लिया। तो ये कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश में राज्य में एंटर किया और राजा मयूरध्वज के पास गया। तो उसके पहले क्या हुआ, उसके पहले ताम्रध्वज उसका बेटा उसका पिताजी को आगे बोला कि ये हुआ है, मैं अर्जुन को हरा दिया है। और जब ही मयूरध्वज सुना कि अर्जुन को हरा दिया है तो ताम्रध्वज को बहुत डांटा और बहुत वो गुस्सा गया कि अरे ताम्रध्वज तुम क्या कर दिया, ये भगवान का सबसे प्रिय भक्त है अर्जुन, उसको तुम हरा दिया, मेरे को कंसल्ट नहीं किया, तुम युद्ध करने चला गया, तुम बहुत बड़ा अपराध किया है अर्जुन के प्रति, बहुत बड़ा अपराध किया है। तो ताम्रध्वज बोला कि नहीं, मेरा तो उद्देश्य था कि जब अर्जुन को हराएंगे तो कृष्ण आएगा इस भूमि में, आपके पास आएगा कृष्ण, आपको दर्शन देगा भगवान कृष्ण, इसलिए मैं युद्ध किया था। तब मयूरध्वज बोल रहा है कि अरे मूर्ख, भगवान को फोर्सफुल्ली कभी बुलाया नहीं जा सकता है। भगवत गीता बोल रहे भक्ता माम अभी जानाति यवन यास चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम भक्त्या माम अभी जानाति। सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही भगवान को पाया जा सकता है, फोर्सफुल्ली कभी भगवान को पाया नहीं जा सकता है। तो ताम्रध्वज को ऐसे तरीके से बहुत डांटा मयूरध्वज, तो ताम्रध्वज बहुत दुखित हो गया। तो फिर उस टाइम पे कृष्ण और अर्जुन एंटर किया, ब्राह्मण का वेश में था तो कोई समझ में नहीं पाया। तो ब्राह्मण आया है दरबार में, राजा का दरबार में, तो बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, ब्राह्मण का पैर धुलाया, बहुत अच्छे तरीके से उनको सेवा किया। फिर ब्राह्मण बोल रहे हैं कि मैं एक इमरजेंसी में हूँ, मेरे को अभी एक इमरजेंसी चीज चाहिए, इसलिए मैं आपका दरबार में आया हूँ। तो बोले क्या इमरजेंसी है बताइए, क्या आपको चैरिटी में चाहिए आप बताइए, मैं मयूरध्वज राजा हूँ, मैं कुछ भी चीज चैरिटी में दे सकता हूँ, कुछ भी चीज आप मांगिए हम दान में दे सकते हैं। तो ये ऐसा है जैसे बलि महाराज का दरबार में जब वामन देव आया था, तो बलि महाराज के दरबार में भी कृष्ण आया वामन देव का रूप में, तो वामन देव बोला कि चैरिटी चाहिए मेरे को। तो बलि महाराज बोला आप क्या चैरिटी मांगते हैं, हम आपको सब देने के लिए तैयार है, कुछ भी आप मांगिए हम आपको देंगे,
चैरिटी में, तो ब्राह्मण बामन देव बोला कि मेरे को 3 पद का भूमि चाहिए। तो बली महाराज बोले इतना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग लीला जानते हैं क्या हुआ। तो इस तरीके से अभी ये ब्राह्मण मयूरध्वज को बोल रहा है कि हमको चैरिटी में कुछ चाहिए, मैं इमरजेंसी में हूँ, क्या चाहिए। तो तब ब्राह्मण बोला, ये कृष्ण ब्राह्मण का रूप में है, तो वो बोला कि हम जो चाहते हैं वो आप दे नहीं पाएंगे। तब मयूरध्वज बोला कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं बहुत बड़ा मैं दानवीर ये मयूरध्वज हूँ, आपको जो भी चाहिए हमें अवश्य दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तब ये कृष्णा बोला कि अभी तो ब्राह्मण का वेश में कृष्ण वर्मा है, तो बोला कि मैं अपना बेटे का शादी करवाने के लिए इस गांव में इस जगह में आया था, बेटे का अपना बेटे के साथ मैं आ रहा था, मैं दूर प्रदेश से आ रहा हूँ और इस प्रदेश में मैं आया बेटा का लिए एक अच्छा लड़की ढूंढने के लिए, लेकिन मैं जब जंगल से आ रहा था उस टाइम पे एक शेर वो हमला कर दिया मेरा बेटा का ऊपर, तो जंगल में ऐसा हो गया कांड। तो वो लायन वो क्या बोला, वो लायन अजीब एक गजब लायन था, वो लायन बोला कि वो मनुष्य की तरह बात कर पाता था वो लायन, वो शेर। तो वो शेर बोला कि आप मेरे को एक चीज अगर देंगे तो मैं आपका बेटा को छोड़ दूंगा। ये कंडीशन लगा दिया लायन ने, शेर ने। क्या कंडीशन लगाया? कि आपका बेटा चाहिए तो आपको राजा का, इस जगह का जो राजा है उस राजा का शरीर का आधा हिस्सा आपको लेके आना पड़ेगा। और वो आधा हिस्सा कौन काटेगा राजा को? उनका बेटा राजा को काटना चाहिए, उनका शरीर को आधा कर देके काट के आप आधा हिस्सा लेके आइए, मेरे को दीजिए, मैं वो मांस खाऊंगा तो आपका ये बेटा को मैं छोड़ दूंगा। तो ये ब्राह्मण बेस में कृष्ण ये कहानी बोला। ये तो हाइपोथेटिकल कहानी था, ये एक्चुअली रियलिटी नहीं था, लेकिन टेस्ट कर रहा है कृष्णा उनका भक्त को, टेस्ट कर रहा है, परीक्षा ले रहा है उनका भक्त को। तब मयूरध्वज को बोला कृष्ण ने, ब्राह्मण ने बोला कि ये चाहिए, तुम्हारा आधा शरीर चाहिए मेरे को। तो मयूरध्वज राजा बोला ठीक है मैं तैयार हूँ, मेरा आधा शरीर को आप काट लीजिए। तो बोला नहीं नहीं मैं नहीं काटूंगा, तुम्हारा बेटे को काटना है। तो बेटा बोला अरे मेरे को काटना है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे नहीं, यही है, नहीं तो मैं हम लोग चल जा रहे हैं, तुम्हारा दरबार में आके कोई फायदा नहीं हुआ, हम लोग लौट के चल जाएंगे। मेरे दोस्त बोला नहीं नहीं आप रुकिए, मेरा बेटा ही काटेगा मेरा आधा शरीर का। तो बेटा बहुत कष्ट में, ताम्रध्वज बहुत कष्ट हुआ उसका, कैसे होगा, लेकिन ये पिताजी का आदेश है, करना ही है, ये ब्राह्मण को बिना चैरिटी दिए भेज नहीं सकते, बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा पूरा राज्य का। तो बहुत कष्ट करके तैयार हो गया उसका बेटा ताम्रध्वज, उसका पिताजी को आधा काटने के लिए। तो उस टाइम पे जब काटने ही वाला था तब ये कृष्ण वर्मा ब्राह्मण जो कृष्ण है एक्चुअली, वो बोला कि रुको रुक जाओ, ये आंसू, तुम आंसू गिरा रहे हो। ये मयूरध्वज को बोला कि तुम आंसू गिरा रहे हो, आंसू गिरा के ये चैरिटी देना, ये कैसा चीज हुआ, रोते रोते चैरिटी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। रोते कोई चैरिटी देता है, कुछ दान देता है रोते रोते, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मैं जा रहा हूँ, हो गया, तुम रो रहे हो बहुत, तुमको काट रहा है तो इसलिए तुम रो रहे हो, ऐसे चैरिटी मत दो, हम लोग जा रहे। तो मयूरध्वज बोला कि, मयूरध्वज तब एक स्टेटमेंट बोला, तब मयूरध्वज बोला
कि हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मेरा आधा शरीर को काटा जाएगा और आपका सेवा में लगेगा, ब्राह्मण जो भगवान का सेवा में लगेगा, ब्राह्मण भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, तो मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरा पूरा शरीर को, पूरा शरीर मेरा भगवान का सेवा में यूटिलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए सिर्फ आधा शरीर यूज हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो अभी मैं नहीं रोऊंगा और मेरा बेटा मेरे को काटेगा और आप मेरा आधा शरीर को ही आपका सेवा में लगाइए। तो तब कृष्ण के साथ अर्जुन था ब्राह्मण वेश में, तो अर्जुन को सहा नहीं गया, कृष्ण आप इतना परीक्षा ले रहे हैं अपना भक्त को, इतना परीक्षा ले रहे हैं। तब कृष्ण तब उनको रोका और अपना दर्शन दिया, असली रूप में दर्शन दिया। तब मयूरध्वज का जो इतना दिन से डिजायर था कि कृष्ण आएगा उनका राज्य में, ये डिजायर उनका फाइनली पूर्ण हुआ, फुलफिल हुआ। कृष्ण का दर्शन मिला उनको और कृष्ण के साथ कृष्ण को आलिंगन किया, आलिंगन करने का मौका मिला। तो मयूरध्वज इतने देखिए अपना पूरा जीवन को, अपना पूरा शरीर को भगवान के सेवा में लगा दिया। तो चैरिटी कैन हैपन इन मेनी वेज, चैरिटी ऑफ द मनी दैट कैन बी गिवन इन कृष्णा सर्विस, चैरिटी ऑफ वन्स इंटेलिजेंस, अपना जो बुद्धि है वो भगवान के सेवा में लगाना, चैरिटी ऑफ वन्स एबिलिटीज, मान लीजिए कोई भगवान के सेवा में जो सिंगिंग अच्छा करता है, जो गाना अच्छा करता है, वो अपना वो जो टैलेंट है वो भगवान का सेवा में लगा सकते हैं। कोई मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट बजा पाता है अच्छा से, वो भगवान का सेवा में लगा सकता है। टैलेंट्स का चैरिटी हो सकता है जो भगवान के सेवा में यूटिलाइज हो सकता है। तो इस तरीके से कोई अपना पूरा जिंदगी को भगवान के सेवा में दे सकता है। So that is a very, very nice thing to dedicate his own life in the service of Krishna. So yeah, that is the science of charity. I will show you one verse from Srimad Bhagavatam, second canto, third chapter. Second canto, third chapter. It is the show. 17. Yeah, I'm sharing the verse. बहुत ही अच्छा ये श्लोक है। आयुर हरति वै पुंसाम् उद्यान अस्तम चयन असौ तस्यर्ते यत् शनोनिता नीत उत्तम श्लोक वार्तया। तो ट्रांसलेशन है, बोथ बाय राइजिंग एंड सेटिंग द सन डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन except one who utilizes the time by discussing topics of all the good topics of the all good personality of Godhead. तो हर एक दिन, दिन और रात, every day, ये जो दिन और रात हम लोग का जो life का span है, duration है, उसको घटा दे रहा है, आयु को खत्म करते जा रहा है, लेकिन जो भगवान का topics में, भगवान का topics में जो अपना mind को utilize कर रहा है, अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, तो उनका लाइफ का ड्यूरेशन को वो खत्म नहीं कर पाता है टाइम, क्योंकि उनका लाइफ जो है, वो जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है वो इटर्नल बैंक अकाउंट में उसको जा रहा है, भगवान का सेवा में वो जा रहा है। दिस वर्स इनडायरेक्टली कन्फर्म्स द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजिंग द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ टू रियलाइज आवर लॉस्ट लविंग रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड
by acceleration of devotional service. तो ये मनुष्य जीवन एक्चुअली है भगवान के साथ, कृष्ण के साथ हम लोग का जो लविंग रिलेशनशिप है वो जो हम लोग भूल गए हैं उसको री एस्टेब्लिश करने का यही है मौका ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. सो वी शुड नॉट वेस्ट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. वी शुड डू डिवोशनल सर्विस इन एन एक्सेलरेटेड वे. तीव्र न भक्ति योगे न टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन. टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता है. सो द टाइम इंडिकेटेड बाई द सनराइज एंड सनसेट विल बी यूजलेसली वेस्टेड इफ द टाइम इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज फॉर रियलाइजिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज. So we should be very, very careful about utilizing our time. Even a fraction of the duration of life wasted cannot be compensated by any amount of gold. कोई मान लीजिए आपने life का कुछ time waste किया, तो अगर वो 100 gold coin दे देगा, फिर भी वो time वापस नहीं मिलेगा. Time इतना valuable है, it cannot be वो खरीदा नहीं जा सकता time. A living being, especially the human being, is seeking happiness because happiness is the natural situation of the living entity. But he is vainly seeking happiness in the material atmosphere. A living being is constitutionally a spiritual spark of the complete whole, and his happiness can be perfectly perceived in spiritual activities. आध्यात्मिक चीजों में अगर वो engaged होगा, तो वो happiness उसको मिलेगा. और अपना सब एक्टिविटीज को कृष्ण के प्रति अगर वो समर्पण करेगा, मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो वो भी अपना वो चीज को भगवान के सेवा में नियुक्त करेगा, तो वो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है. द लॉर्ड इज द कंप्लीट स्पिरिट होल एंड हिज नेम फॉर्म क्वालिटीज पास्ट टाइम्स इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी आर ऑल आइडेंटिकल विथ हिम. भगवान और भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं है. भगवान और भगवान का पास्ट टाइम लीला में कोई अंतर नहीं है. भगवान और भगवान का पार्षद में कोई अंतर नहीं है. भगवान और भगवान का जो फॉर्म है, विग्रह है, उसमें कोई अंतर नहीं है. वंस ए पर्सन कम्स इनटू कांटेक्ट विथ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ डिवोशनल सर्विस द डोर टू परफेक्शन इज इमीडिएटली ओपेंड. सो भगवद गीता ये भक्ति के बारे में, भक्ति योग के बारे में बहुत ही स्ट्रेस करता है. तो भक्ति योग का माध्यम से कोई भगवान का धाम पे जा सकता है. तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टैंजा बहुत ही इंटरेस्टिंग है. द मटेरियलिस्टिक वे ऑफ पायस एक्टिविटीज लाइक चैरिटी इज रिकमेंडेड इन द स्मृति शास्त्र एज कोटेड बाय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. मनी गिवन इन चैरिटी टू ए सुइटेबल पर्सन इज गारंटीड बैंक बैलेंस इन द नेक्स्ट लाइफ. Such charity is recommended to be given to a Brahman. If the money is given in charity to a non-Brahman without Brahminical qualification, the money is returned in the next life in the same proportion. मान लीजिए कोई किसी को पैसा दिया, कोई आदमी को पैसा दिया, दान दिया, वो ब्राह्मण नहीं है, नॉर्मल आदमी है, ब्राह्मण नहीं है, तो वो वही पैसा उसको नेक्स्ट लाइफ में एग्जैक्ट अमाउंट में रिटर्न मिलेगा. Next is telling what if the same proportion. If it is given in charity to a half educated Brahman, even then the money is returned double. तो अगर half educated Brahman, आधा Brahman है, तो वो next life में उसका वो money double होके return होगा. If the money is given in charity to a learned and fully qualified Brahman, the money is returned 100 and 1,000 times. तो कोई ब्राह्मण को चैरिटी देगा तो नेक्स्ट लाइफ में उसको जो प्रॉपर ब्राह्मण है तो उसको नेक्स्ट लाइफ में 1,00,000 टाइम्स उसको रिटर्न आएगा. एंड इफ द मनी इज गिवन टू ए वेद पराग वन हु हैज फैक्चुअली रियलाइज्ड द पाथ ऑफ द वेदस it is returned by unlimited multiplication. So money is utilized in propagating Krishna's mission, bhagwan ka seva mein. Prabhupada jaise mahan bhakt ko agar diya jaye to wo unlimited multiplication mein return hoga. Unlimited multiplication means we cannot practically imagine. We can go back to the Godhead, we can go back home, back to Godhead, where there is no question of birth, old age, disease and death.
There's no lack of opulences in the spiritual world. कुछ चीजों का अभाव नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. अनलिमिटेड abundance of everything. The ultimate end of Vedic knowledge is realization of the personality of Godhead, Lord Krishna, as stated in the Bhagavad Gita. Vedesh cha sarver aham evo vidya. वेद का गोल क्या है? कृष्ण को समझना. जो कृष्ण को समझ गया है उसका सभी लर्निंग परफेक्ट हो गया है. There is a guarantee of money is being returned if given in charity, regardless of the proportion. Similarly, a moment passed in the association of a pure devotee by hearing and chanting the transcendental messages of the Lord is a perfect guarantee for eternal life. सिर्फ money नहीं, अपना time को invest कर रहा है कोई भगवान का सेवा में. That is also charity. Charity सिर्फ पैसा का नहीं होता है, time का भी होता है. But a moment passed in the association of a pure devotee, it is a doorway to Bhagavad Dham. It is the doorway to spiritual world. Last week, जैसे देखिए आप लोग बहुत लोग जैसे His Holiness Jayapata Goswami Guru Maharaj के association किया. Moment, it was not a very big time. It was only he talked about some 20-25 minutes. He was there. It was not that long time. लेकिन वही एसोसिएशन का एक इफेक्ट सबको फील हुआ. बहुत पावरफुल था वही मोमेंटरी एसोसिएशन. गुरु महाराज ऐसा नहीं बहुत कुछ बोला, रथ यात्रा के बारे में थोड़ा बोला, वही मोमेंटरी एसोसिएशन भी बहुत पावरफुल होता है. तो ये एसोसिएशन मिलना बहुत रेयर है. तो नेक्स्ट लाइन इज टेलिंग, इन अदर वर्ड्स, डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज गारंटेड इटर्नल लाइफ. A devotee's old age or disease in the present life is but an impetus to such guaranteed eternal life. So, momentary association of pure devotee, just like you see, जैसे देखिए महाराज मयूरध्वज, वो उनका जो आधा पोर्शन है, उनका आधा पोर्शन को वो चैरिटी में देने के लिए तैयार था मयूरध्वज. सिमिलरली आप देखिए भगवान का भक्तों का लीला अभी भी चल रहा है. भगवान और भगवान का भक्तों का लीला अभी भी हो रहा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5000 साल पहले हुआ था, ऐसा नहीं है, अभी भी हो रहा है लीला. इफ यू सी गुरु महाराज, इफ यू सी जयपत गोस्वामी गुरु महाराज, जब 2008 साल में उनका जब स्ट्रोक हुआ तो उनका आधा पोर्शन जो है वो पैरालाइज्ड हो गया. आधा पोर्शन वो इनएक्टिव हो गया, पैरालिसिस हो गया. लेकिन उस और उसके बाद से व्हील चेयर में आ गया. उसके पहले पूरा इतना तगड़ा शरीर था, ऐसे ऐसे चलता था, बहुत स्पीड में चलता था तब उसके पहले. लेकिन आधा पोर्शन पैरालाइज हो गया, लेकिन वो पूरा शरीर को ही देखिए भगवान का सेवा में यूटिलाइज कर रहा है. तो और भी ज़्यादा प्रचार कर रहा है, और भी ज़्यादा भगवान का मैसेज दे रहा है सबको. और हमेशा से उनका माइंड में सिर्फ भगवान का कथा और प्रभुपाद का जैसे कैसे सेवा किया जाता है, यही है बस, और कुछ नहीं है. तो श्रील प्रभुपाद जी के महान शिष्य लोग जो है, देखिए सबका जीवन ऐसा ही है. इफ यू सी द लाइफ्स ऑफ ग्रेट प्रभुपाद डिसाइपल्स लाइक हिज होलीनेस गिरिराज महाराज, इफ यू सी हिज होलीनेस राधानाथ महाराज, इफ यू सी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, इफ यू सी एवरीवन, यू सी प्रभुपाद के जो शिष्य लोग हैं और गुरु महाराज तो है ही, उनका लाइफ आप देखिए हमेशा से कृष्ण भक्ति में पूरा एकदम. ऐसा नहीं है कि एक मोमेंट भी वो दूसरे चीज में नहीं है. हमेशा कैसे प्रभुपाद का सेवा किया जाएगा, कैसे भगवान का सेवा किया जाएगा, कैसे भगवान का वाणी पूरा दुनिया में और भी फैलाया जाएगा, इसके बारे में ही सोच रहा है. ये है भगवान के शुद्ध भक्त का इफेक्ट, वो बहुत ही पावरफुल होता है. तो जैसे अम्बरीश महाराज एक भी मोमेंट वेस्ट नहीं किया. हमें हर एक मोमेंट को 24 आवर्स यूटिलाइज्ड इन डिवोशनल सर्विस. So you can see practical examples of these examples in even present day. It's not that in the present day the pastimes of Krishna is not going on. The
pastimes of Krishna is going on. In reality, Krishna is entering the lives of devotees, and Krishna is saving the lives of devotees. So with this, I will end today. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare.